वहीं रविवार को राजधानी लखनऊ में रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार का वितरण किया गया। सीएम अखिलेश यादव और उनकी पत्नी और कन्नौज सांसद डिंपल यादव भी कार्यक्रम में शामिल रहीं। डिंपल यादव ने वीरता पुरस्कारों का वितरण किया। सीएम आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार, एसिड अटैक पीड़ितों को आर्थिक सहायता के वितरण और महिला सम्मान कोष की वेबसाइट का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि सरकार एसिड अटैक पीड़ितों की पूरी मदद करेगी, इलाज में धनराशि का वहन भी किया जाएगा, साथ ही एसिड अटैक की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि महिलाओं के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। सीएम ने एसिड अटैक पीड़ितों को 3-3 लाख रुपए के चेक भी प्रदान किए। कोष के गठन के लिए उन्होंने सांसद डिंपल यादव, प्रमुख सचिव महिला कल्याण रेणुका कुमार को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। इस कोष के लिए साल 2015-16 के बजट में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। रानी लक्ष्मीबाई वीरता सम्मान से सम्मानित महिलाओं को किया गया, इसके साथ एसिड अटैक से जो पीड़ित महिलाएं हैं उन्हें भी सहायता राशि दी गई। 3-3 लाख रुपए के चेक उनको दिए गए। इसके साथ ही सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं की अनदेखी नहीं की जाएगी और एसिड अटैक के जो मामले हैं उनमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी, तुरंत उन लोगों को सजा दिलवाई जाएगी जिन्होंने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। एसिड अटैक से जो पीड़ित है महिलाओं उनको मदद करने का मौका मिला है। 20 प्रधान हैं महिलाएं प्रधान और कई जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया अपने क्षेत्र में, जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनको भी आज सम्मान करने का मौका मिला है। आबादी के 50% हैं आप लोग, आबादी जो भी हो हमारे देश की, लेकिन लगभग 50% आप लोग हैं। आप लोगों को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता।